ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات بزرگوں بھائیوں मैंने सूरह बनी इसराइल की 70वीं आयत आपके सामने तिलावत की है जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है ये तो हमारी इनायत है कि हमने ही बनी आदम को इज्जत और इकराम से नवाजा और उन्हें खुशकी व तरी पर सवारियां अता की। खुशकी पर जानवरों के जरिए ऊंट हैं, घोड़े हैं, कारें हैं और दूसरी सवारियां जो इस वक्त मौजूद हैं, और तरी के जरिए जो है समंदर में कश्तियां हैं, जहाज हैं वगैरह वगैरह अल्लाह ताला ने अता फरमाई और पाकीज़ा चीज़ों में से रिस्क अता फरमाया और अपनी बहुत सी मखलूकात पर नुमाया फौकियत अता फरमाई, यानी अल्लाह ताला ने इंसान को अफजल बनाया। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा इकराम है अल्लाह ने इस इंसान पर अता किया है। सेहत अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है और एक ये अमानत भी है, और सेहत की हिफाजत करना ये इंसान की जिम्मेदारी भी है। लिहाजा जब अल्लाह ने इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक बनाया और उसको सेहत अता फरमाई, एक बेहतरीन नेमत अता फरमाई, तो उसकी हिफाजत करना और इस अमानत की हिफाजत करने के साथ साथ इसकी कदर करना हम पर लाजमी है। सेहत के बारे में मामूली सी गफलत अगर इंसान करता है तो वो नुकसान का बाइस होता है और परेशानी का सबब हो जाता है। बहुत सारे लोग ट्रेन में सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं, तो आपने आए दिन हादसा हमने देखे हैं कि ट्रेन में सफर करते हैं तो खिड़की में खड़े हो जाते हैं, खुसूसन नौजवान बच्चे, या फिर हाथ बाहर निकाल लेते हैं, और आजकल तो ये सेल्फी का जमाना है कि वहां बाहर खड़े होकर सेल्फी बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं। रोजाना हम कोई ना कोई हादसा देखते हैं कि कोई खंबा सामने आ जाता है, या कभी हवा आ जाती है, या कोई पत्थर आ जाता है, या कोई कंकर आ जाती है, छोटी सी कंकर हवा में बालू के साथ उड़कर आती है, आंख में गिरती है, आदमी आंख बंद होती है, हाथ छूटता है, झपकता है, नीचे गिर जाता है, गोया उसने अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ किया, उसकी हिफाजत नहीं की। इसी तरह से अल्लाह ताला ने ये जो हमें बेहतरीन नेमत दी है इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी है। बहुत से अहबाब जो है पैर लटका कर ट्रेन में बैठते हैं, पैर लटका कर बस में खड़े हो जाते हैं, आजकल तो सहूलतें आई हैं कि दरवाजे बंद होने लगे हैं, वरना तो ऐसे हादसात हमने बहुत देखे हैं कि किसी का पैर कट जाता है, किसी का हाथ कट जाता है,
तो गोया ये उसने अल्लाह ताला की नेमत की हिफाजत नहीं की और खुदकुशी की है उसने, खुद अपने आप को उसने मुसीबत में डाला है। असल इंसानी जिंदगी का जौहर यही है, उसकी अकलबंदी यही है कि वो जिस्म की सेहत का राज ये है और तंदुरुस्ती का राज ये है कि हम सारे उमूर का ख्याल रखते हुए, सारी चीजों का ख्याल करते हुए अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। सबसे पहले सेहत में हलाल और हराम का दखल है। अगर हम हराम खाएंगे तो जिस्म हराम बन जाएगा, गलत हो जाएगा, नापाक हो जाएगा, और हलाल खाएंगे तो अल्लाह ताला हलाल जरिए, हलाल के साथ जो अल्लाह ताला अता फरमाते हैं, जो खून बनाते हैं हलाल के जरिए, अल्लाह ताला जो गोश्त पैदा फरमाते हैं, उससे इंसान के अंदर इबादत का शौक पैदा होता है, इबादत का शौक पैदा होता है और वो ये चाहता है हलाल खाने के बाद कि मुझे इतनी इबादत करनी चाहिए, मुझे ऐसी इबादत करनी चाहिए। देवबंद का बड़ा मशहूर वाकया हमने बारहा सुना, एक अल्लाह वाले थे, बड़े अल्लाह के बुजुर्ग थे, लेकिन काम उनका लकड़ियां चुगना था। लकड़ियां चुगकर जंगल से लकड़ियां काटकर लेकर आते और लाने के बाद उस गट्ठर को बाजार में फरोख्त करते। उस जमाने में जो लकड़ी फरोख्त हुआ करती थी, चार आने या आठ आने जो भी होता होगा, उसमें से एक हिस्सा अपने अपने घर वालों का रखते, एक हिस्सा उसमें से सदका कर दिया करते थे, और फिर उसमें से चंद पैसे, ज्यादा पैसे नहीं, चंद पैसे, कभी एक पैसा कभी दो पैसा, उन पैसों को वो जमा करा करते थे, रोजाना जमा करते, और साल में एक मर्तबा अकाबिरे दारुलूम जो थे, दारुलूम देवबंद के जो बड़े बड़े उस्ताद थे, बड़े बड़े अल्लामा थे, असातिजा थे, उनकी दावत किया करते थे। तो पूरे साल वो असातिजा उनकी दावत के इंतजार में रहते। ऐसा नहीं था कि उस जमाने में बकरे कटते होंगे, ऐसा नहीं था कि उस जमाने में बिरयानी पकती होगी, वही सीधा सादा खाना, कभी दाल और रोटी, कभी चावल और रोटी, कभी चावल और दाल या चटनी और दाल, यही खाना हुआ करता था। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि मियाँ जी जो थे, वो जो अल्लाह वाले थे, उनकी दावत का हमें पूरे साल इंतजार रहता, इसलिए कि जब उनकी दावत खा लेते तो दिल ये चाहता था कि अल्लाह की इबादत करते रहे। इसलिए कि हलाल रिस्क उनको वो इस कदर हलाल रिस्क था कि जब वो खा लेते तो दिल ये चाहता कि हर वक्त अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह की तरफ रुजू रहें। तो ये जो जिस्म है, जिस्म का पहला हक ये है कि हम इसको हलाल खिलाएं और हराम से इसकी हिफाजत करें। और उसके साथ फिर मौसम के एतबार से, अगर तेज धूप है, माशाल्लाह हमारे साउथ में धूप इतनी नहीं होती, जहां धूप होती है आप दिल्ली की धूप जाकर देखिए, पिघल जाता है आदमी जी, इधर पानी नाका रहता है, उधर पसीना आता रहता है उसको, इस कदर धूप होती है। और इसी तरह से ठंड भी होती है बहुत सारे इलाकों में। गर्मी के मौके पर अपने आप को गर्मी से बचाए, सर्दी के मौके पर अपने आप को सर्दी से बचाए, ये भी जिस्म का हक है। अगर किसी को सर्दी में अल्लाह ने गर्म पानी का हिसाब दिया है तो वो गर्म पानी से वजू करे, वगैरह वगैरह। आप ये कहेंगे कि ये आज कौन सा मौजू है, किस मौजू पर बात हो रही है? ये मौजू बहुत अहम मौजू है, जिस मौजू को हम भूल गए हैं, सेहत के मौजू को आज हम भूल गए हैं कि सेहत कितनी जरूरी है, सेहत क्या चीज है, आज हमें इसकी अहमियत नहीं है हमारे पास। अगर इसकी अहमियत है तो आज गैरों के पास है, हमारे पास कोई अहमियत नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताकतवर मोमिन अल्लाह के नजदीक कमजोर मोमिन से बेहतर और पसंदीदा है। यानी अगर मुसलमान ताकतवर है, मोमिन ताकतवर है, तो अल्लाह ताला उसे कमजोर मोमिन से ज्यादा बेहतर पसंद करते हैं, उसको पसंद किया जाता है, और अल्लाह ताला खुश होते हैं उसको देखकर कि मेरे बंदे ने मैं अपने आप को फिट रखा है, अपने आप को सेहतमंद रखा है। लेकिन सेहतमंद के बहुत सारे मामलात हैं, आजकल जो है अंधे सेहतमंद ज्यादा हैं जी, जो किसी ने कह दिया वो कर लिया, हमें ये पता नहीं हमें क्या करना है जी। अगर किसी कारपेंटर को, किसी कारपेंटर को आप ये कहने लगे कि आप फला चीज बड़ी अच्छी बनाते हैं, आप चांदी का ये बनाते हैं, तो क्या वो बनाएगा? नहीं बना सकता, वो चांदी को इतनी जोर से कूटेगा कि वो चांदी सारी आपकी खत्म हो जाएगी।
कारपेंटर का काम लकड़ी का है, चांदी को बनाने का काम सुनार का है। जो काम जिसका है उसके जेरे एहतमाम जेरे निगरानी किया जाए। आज ये व्हाट्सएप पर यूट्यूब पर हम नुस्खे देखते हैं और देखने के बाद आमल शुरू कर देते हैं। एक साहब नौजवान मेरे पास आए, जब बात दरमियान में आई हमारे महल्ले की, तो वो बहुत परेशान थे अपने पेट से। उन्होंने कहा कि फला फला मुझे परेशानी है और मैं 6 महीने से परेशान हूँ, इलाज कर लिया है, दवा दे दी, कोई फायदा नहीं हुआ, फिर दी फिर फायदा नहीं हुआ, मैं खुद परेशान हो गया। मैंने उनसे कहा कि आप अपना रूटीन बताएं, आपका रूटीन क्या है। तो उसने कहा कि मैं सुबह उठता हूँ, मुंह धोता हूँ और जिम चला जाता हूँ, नमाज वगैरह की तो कोई बात ही नहीं है। खैर ठीक है, आप जिम जाने के बाद, फिर उसने बताया तो मैं हैरत में चला गया। उसने बताया मैं रोजाना 50 अंडे खाता हूँ। मैंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तुमको किसने कहा 50 अंडे खाने का, और तुम खा लेते हो दुबला पतला बिल्कुल। कहा कि हाँ मैं 50 अंडे खाता हूँ, हमारे जो है ट्रेनर है उन्होंने कहा है कि 50 अंडे खाना है, लिहाजा मैं 50 अंडे खा रहा हूँ और मेरी बॉडी बनती नहीं है। मैंने कहा तुम 100 भी खाओगे तब भी नहीं बनेगी। सच्चाई तो ये है, ऐसा नहीं है। ये जिस्म जो है ये अल्लाह की अमानत है, इस अमानत को जो है सही हमें इस्तेमाल करना चाहिए और सही तरीके पर सही चीज की तरफ चलना चाहिए। तो अल्लाह ताला के अंदर अल्लाह ताला कुव्वत पैदा करते हैं और ताकत पैदा करते हैं। एक बात यहाँ हमें याद रखनी चाहिए, ये बात हमें जहन में रहे, हम जो वर्जिश कर रहे हैं, हम जो फिटनेस कर रहे हैं, हमारे जहन में ये ना हो कि हम किसी को बॉडी दिखाएंगे या हमारी सेहत इतनी अच्छी रहेगी। नीयत ये होनी चाहिए कि जब हम फिट रहेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह इससे इबादत करेंगे, अल्लाह की नमाज अल्लाह के आगे सजदा करेंगे, झुकेंगे और अल्लाह के रास्ते में हम तबलीग करेंगे। जब ये नियत होगी तो ये वर्जिश और ये जिम जाना ये हमारे लिए इबादत बन जाएगा और ये इबादत हमें आखिरत में हमारे लिए कामयाबी का जरिया। अगर हमने सिर्फ ये कहा कि टी शर्ट टाइट सी पहनकर हमें बाहर चलना है तो ये सवाब नहीं होगा जी, ये तो एक गुनाह का बाइस होगा। लेकिन इसको भी हम इबादत बना सकते हैं। इबादत बनाने का तरीका यही है कि हमारी नियत अच्छी हो और खुसूसन हमारे नौजवान ऐसे जिनका इंतखाब करें जहां पर गाने बजाने या खवातीन का इख्लास नहीं हो। हमारे महल्ले में बहुत सारे जिम हो गए हैं, वहां पर खवातीन भी आजकल जा रही हैं, मर्द भी जा रहे हैं और बड़े खुश होते हैं, लेकिन ये बहुत ही एक गलत तरीका है और गलत रास्ता है, उससे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। अर्ज ये करना है कि जब इंसान अपने आप को फिट रखता है तो वो दुनिया में भी सुरखरु होता है और आखिरत में भी सुरखरु होता है। अब आप कहेंगे कि कैसे, आपने मोहम्मद अली का नाम सुना होगा, कभी उसने कोई बॉक्सिंग की कुश्ती नहीं हारी, इस्लाम कबूल किया था, मुसलमान हुआ था और मुसलमान होने के बाद पूरी दुनिया में उसका नाम हुआ, नाम के साथ उसने सेहत भी मिली और सेहत के साथ अल्लाह ने उसको जो है दौलत भी दी और दौलत को उस दौलत को उसने दीन बना दिया। हम सिर्फ अखबारात में एक रुख पढ़ लेते हैं, दूसरा रुख नहीं पढ़ते। मोहम्मद अली के ताल्लुक से आता है कि कई लाख लोगों ने उसके हालात को देखकर इस्लाम कबूल किया और आप उसकी तारीख पढ़िए, उसके ऊपर पूरी किताब है। मोहम्मद अली के ताल्लुक से आता है, उसने जो इस्लामिक सेंटर कायम किया अपनी जिंदगी के अंदर दावत और तबलीग का, यानी उसने उस स्टेज को भी दावत और तबलीग का स्टेज बना दिया। बताते हैं कि सालाना तकरीबन 20 लाख लोग तक उससे फायदा उठाते हैं, उसके यहाँ जाकर किताबें पढ़ते हैं, उसके यहाँ जाकर तबलीग सीखते हैं, उसके यहाँ जाकर इस्लाम के ताल्लुक से मालूमात हासिल। इतना बड़ा सेंटर उसने बनाया जो एकड़ों के अंदर मौजूद है, लेकिन हम जानते ही नहीं, हम सिर्फ ये समझते हैं कि शायद वो कुश्ती करते करते मर गया है। ऐसा नहीं है, जब मोमिन अल्लाह के लिए कोई काम करता है तो अल्लाह ताला उससे काम लेते हैं और वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जब काम लेते हैं तो अल्लाह ताला ऐसा काम लेते हैं कि दुनिया अश अश करने लगती है, दुनिया ये कहती है कि इतना बड़ा काम इसने कैसे कर दिया है, उसकी समझ से बाहर हो जाता है। हिंदुस्तान का एक बहुत मशहूर पहलवान गुजरा है, गामा पहलवान, कहने को गामा कहते थे लेकिन नाम उसका था गुलाम मोहम्मद बख्श, बहुत बड़े पहलवान थे। ये मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं कि ये हमारी तारीख है, सहाबा के दौर की बात नहीं कर रहा हूं, सहाबा तो इतने बड़े कवि थे, मजबूत थे, उनके ताल्लुक से हमें कुछ कहने ही की जरूरत नहीं है, उनकी फिटनेस तो इतनी अच्छी। हजरत अली करमल्लाह उसकी फिटनेस कैसी थी, खैबर का किला जो है किले का दरवाजा तोड़ दिया हजरत अली करमल्लाह ने, ये फिटनेस ही की तो वजह थी।
और आज भी जितने पहलवान हैं, हमारे साउथ में पहलवानी बहुत कम है, नॉर्थ में बहुत ज्यादा है, खासकर दिल्ली के अंदर आज भी आप जामा मस्जिद के सामने जाइए, वहां जगह जगह अखाड़े बने हुए हैं पहलवानों के, मिट्टी खोदी हुई रहती है, वहां कुश्तियां होती हैं, उनकी मालिश होती है, वहां आप देखें जाकर उनके जिस्म बनाए जाते हैं, उनको कुश्ती के गुण सिखाए जाते हैं, तो उस तरफ बहुत ज्यादा, इस तरफ कम है। तो रुस्तम पहलवान जो थे, जिनको गामा कहा जाता था, इनका गुलाम मोहम्मद बख्श नाम था, तो ये वहां पर गए, इन्होंने कुश्ती करनी शुरू की, और कुश्ती करते करते कितना बड़ा इनका जिस्म था, कोई बड़ा जिस्म नहीं था, जिस्म के ताल्लुक से आता है, सिर्फ 5 फीट 7 इंच था कद, 5 फीट 7 इंच, और सीना कितना था, 46 इंच था। तो 46 इंच का सीना सिर्फ, 5 फीट 7 इंच इनका कद था। एक मरतबा ये गुजरात गई 1902 में शहर बड़ौदा में, और बड़ौदा जाने के बाद वहां पर एक पत्थर रखा हुआ था, उस पत्थर के ताल्लुक से ये था कि कोई आदमी इस पत्थर को हिला नहीं सकता, इतना वजनी पत्थर है ये। तो वहां पर गए गामा पहलवान, और गामा पहलवान ने उस पत्थर को उठाया, तारीख आज तक याद रख रही है, और जिंदगी भर कयामत कायम हो जाएगी, वो तारीख याद रहेगी कितना बड़ा पत्थर था। आज मैं और आप होते तो अंदाजा लगाएंगे 50 किलो का, 100 किलो का, बहुत बड़ा पहलवान है तो 125 या 150 किलो का, 1200 किलो का पत्थर था वो, 1200 किलो का पत्थर। आज भी वो पत्थर बड़ौदा के सायाजी बाग अजायब घर में महफूज है। अल्लाह अकबर, क्या ताकत थी, क्या कुव्वत थी उस शख्स के अंदर, लेकिन इतना बड़ा पहलवान, उस पहलवान की जब हम तारीख पढ़ते हैं तो तारीख में हमें मिलता है कि कभी किसी कमजोर पर हाथ नहीं उठाया। हत्ता के एक अजीब बात गामा पहलवान की हमारे सामने से गुजरी, जब हमने तारीख को खंगाला, गामा पहलवान के ताल्लुक से आता है, एक दिन वो सब्जी खरीदने के लिए या कुछ फ्रूट खरीदने के लिए दुकान पर गए, और जब उन्होंने फ्रूट या सब्जी कुछ खरीदनी थी वो खरीदी, तो वो दुकान वाला जानता नहीं था, उनमें आपस में कुछ तू तू मैं हो गई। असल में ठेली पर बेचने वाले सब तो नहीं, लेकिन अक्सर बहुत कम तोलने वाले होते हैं, कम तोलेंगे, गलत सामान दे देंगे, सड़ा हुआ रख देंगे, बहुत ज्यादा होता है। ये जमाना कदीम से चला आ रहा है, उसी जमाने से धोखेबाजी आ रही। तो गामा पहलवान की उसको कुछ बात हो गई, तू तू मैं हो गई, वो गामा को नहीं जानता था, तो उसने बट उठाया जिससे तोलते हैं, और गामा पहलवान के सर में मार दिया, और गामा पहलवान का सर फूट गया। अब अगर गामा चाहता तो उसकी हड्डियों की कचूमर बना सकता था जी, लेकिन तारीख में लिखा है कि गामा ने उसको कुछ नहीं कहा, अपना सर पकड़कर खामोश अपने घर पहुंचने गए। यह है हिम्मत की बात, यह है असल ताकत। हजरत अली करम अल्लाह फरमाते हैं कि असल पहलवान वो है जो अपने गुस्से को पी ले। गामा पहलवान के ताल्लुक से आता है कि सर फूट गया, एक आम आदमी ने उसके पट्टा मार दिया, लेकिन गुस्से को पी लिया, और गुस्से को पीकर अपने घर को खामोश चले गए, उस दुकान वाले को कुछ नहीं कहा। हमारी तारीख कोई छोटी तारीख नहीं है। गामा पहलवान गुलाम मोहम्मद बख्श जो थे, 7 साल की उम्र से इन्होंने कुश्ती शुरू की, सिर्फ 7 साल की उम्र से, और अपने वालिद थे इनके मोहम्मद अजीज बख्श, वो भी पहलवान थे, और इनके बड़े भाई थे इमाम बख्श, वो भी पहलवान थे। इनसे इन्होंने पहलवानी को सीखा। 6 साल की उम्र में उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। वालिद के इंतकाल के बाद लूम पहलवान इनके नाना थे, उनसे इन्होंने पहलवानी सीखी, और नाना के इंतकाल के बाद सबसे पहले जब ये मंजर पर आए 1880 पर 8 में लोगों ने इनको पहचाना। कैसे? महाराजा थे एक जोधपुर के, राजस्थान के, उन्होंने एक कुश्ती का इंतजाम किया, 400 पहलवानों को उसमें बुलाया। अब आप ये कहेंगे कि ये कौन सी पहलवानी की बात मस्जिद में हो रही है, मैं आपको इससे बताऊंगा, ये तारीख हमारी तारीख है जिसको गैरों ने अपनाया है, ये तारीख हमारी है, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कुश्ती करवाना। अल्लाह के नबी ने एक बहुत बड़ा मैदान रखा था, उस मैदान को हजरत अली करमल्लाहु वजह के सपोर्ट किया था कि तुम बच्चों को इसमें कुश्ती कराओ,
बच्चों को इसमें तीर अंदाजी सिखाओ, बच्चों को इसमें तलवार चलाना सिखाओ, बच्चों को इसमें दौड़ना सिखाओ, बच्चों को इसमें घुड़सवारी सिखाओ, बच्चों को इसमें और दूसरी चीजें मस्त कराओ ताकि बच्चे जमीन से जुड़े रहे और उनकी फिटनेस अच्छी रहे। और ये जो ओलंपिक होता है ये भी इस्लाम ही से लिया है, यानी जो फिटनेस के जो खेल होते हैं वो सारे के सारे खेल उसके अंदर आ गए। तो आज जो है इसकी जरूरत है कि आज हम जो अपनी तारीख को भूल गए अपनी तारीख को याद करें। तो गामा के ताल्लुक से आता है कि जोधपुर के राजा ने जो है एक कुश्ती रखी और पूरे हिंदुस्तान से 400 पहलवान जमा हुए, 400 पहलवान जमा हुए। उन 400 पहलवानों में चंद पहलवान थे जो वाकई कुश्ती लड़ने के काबिल थे, जिनमें 17 पहलवान या 18 पहलवान थे, जिसमें से एक पहलवान गुलाम मोहम्मद बख्श यानी गामा पहलवान भी थे। और उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 17 बरस की थी, 17 साल का बच्चा। अब 17 साल का बच्चा क्या पहलवानी करेगा? लेकिन उस वक्त जो है कुश्तियां हुई, और उस वक्त एक और बड़े पहलवान थे मुस्लिम पहलवान, जिनको जमाना रुस्तम जमाना कहा जाता था, वो भी मुसलमान थे, रहीम बख्श सुल्तानी। और इनका कद कितना था? 7 फीट ऊंचे थे। अल्लाह अकबर, 7 फीट का आदमी, आज 6.5 फीट हो गया तो कब्र में दर्द शुरू हो जाता है उसके, जी झुकने नहीं होता, इसलिए कि हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। और रुस्तम पहलवान ने रहीम बख्श पहलवान को कहा कि आप मेरे साथ कुश्ती करें। तो कुश्ती हुई, लाहौर में हुई, चूनागढ़ में हुई, इंदौर में हुई, और कई घंटे तक कुश्ती चली, लेकिन कुश्ती में कोई जीत हार नहीं हुई, यानी दोनों की फिटनेस इतनी अच्छी थी। और उसके बाद उस कुश्ती को वहीं खत्म कर दिया गया। आज जो कुश्ती होती है 3 मिनट की होती है, कहीं 2 मिनट की होती है, और बहुत ज्यादा अगर अच्छे पहलवान हैं तो उनकी कुश्ती 5 मिनट की होती है, उससे ज्यादा की नहीं होती। उसके बाद सन 1910 के ताल्लुक से आता है कि यूरोप का एक बहुत बड़ा पहलवान था जिसका नाम बेंजामिन था, उसने गामा पहलवान को कहा और उनके भाई से कहा कि आप मेरे साथ यूरोप चले, कहां? लंदन, अमेरिका, यहां सब चले, फ्रांस, जर्मन, और वहां के पहलवानों से आप कुश्ती करें। तो जब ये गए, जाने के बाद यूरोप का कोई पहलवान, गामा पहलवान यानी गुलाम मोहम्मद बख्श और इमाम बख्श से कुश्ती करने के लिए सामने नहीं आया। यानी इतनी अच्छी फिटनेस मुसलमानों की थी कि गुलाम मोहम्मद बख्श से कुश्ती करने के लिए इटली, फ्रांस और लंदन, जर्मन, कहीं का पहलवान आपके सामने नहीं आया। और फिर जब ये परेशान हो गए कि इनके सामने कोई लड़ने नहीं आता, तो फिर ये वहां से यूरोप से लंदन गए। और लंदन के ताल्लुक से आता है कि लंदन जाने के बाद वहां पर पूरी दुनिया के पहलवानों को जमा किया गया, जिस तरह से ओलंपिक होता है, वर्ल्ड कप अभी हुआ है, इसी तरह से वर्ल्ड चैंपियन वहां रखा गया, जिसके अंदर तुर्की के महमूद रुस्तम आए। यानी बताने का मकसद यह है कि पूरी दुनिया में अगर कोई माना हुआ था तो वो मुसलमान ही था, और कुछ यूरोप के भी आए। लेकिन इंग्लिस्तान के हॉट स्मिथ बताते हैं, और ओजे ओज बेक्शु एक आदमी था, वो भी एक बड़ा पहलवान था, ये आए। और आने के बाद उन्होंने गामा को और रुस्तम को, उनके बड़े भाई को, जब देखा इमाम बख्श को, तो वो हैरत में चले गए कि ये इन्होंने अपने जिस्म को कैसे मजबूत किया है, कैसे अपने आप को इन्होंने तैयार किया है। तो वहां जब कोई कुश्ती लड़ने के लिए सामने नहीं आ रहा था, तो गुलाम मोहम्मद बख्श ने ऐलान किया कि जो मुझसे 5 मिनट कुश्ती करेगा मैं उसको 5 पाउंड इनाम दूंगा, उससे 5 मिनट कुश्ती करेगा मैं उसको 5 मिनट इनाम दूंगा, 5 पाउंड इनाम दूंगा। लिहाजा 40 कुश्तियां हुई, 40 पहलवान पूरी दुनिया के, अब यहां नाम लेना जरूरी नहीं है, 40 कुश्तियों में से एक आदमी भी ऐसा नहीं था जिसने 2 मिनट कुश्ती की हो, 1 मिनट ही में उसको चित कर देते और उसको जमीन पर लिटाकर उसके सीने पर बैठ जाते थे। ये मुसलमानों की फिटनेस थी। अमरीकी पहलवान लिखता है कि गुलाम मोहम्मद बख्श और इमाम बख्श को देखकर मैं हैरान रह गया
कि मैंने इतने खूबसूरत जिस्म वाले, जिनके लट्ठे, जिनके हाथ खूबसूरत थे, जिनकी टांगे खूबसूरत थी, जिस्म का सीना खूबसूरत था, जिनकी गर्दनें खूबसूरत थी, जिनके जिस्म डोलडाल थे और वजनी होने के साथ साथ जिसके अंदर इतनी फुर्ती थी, मैंने कहीं नहीं देखा दुनिया के अंदर। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी, सबसे पहली वजह तो यही थी कि वो हलाल खाते थे और हराम से बचते थे, और दूसरी वजह यह थी कि उन्होंने अपने खानों में बहुत एहतियात करते थे। वो खालिस दूध, घी और गोश्त वगैरह का इस्तेमाल उनके यहाँ था, गिजा पर बहुत ज्यादा तवज्जो थी। मुझे बात याद आ गई है दरमियान में, मेरे नाना की अनारकली बाजार जो है लाहौर में उनकी दुकान थी पान की, तो वो बताते थे कि एक मर्तबा शोर हुआ कि गामा पहलवान अनारकली बाजार घूमने के लिए आए हैं, तो ये भी देखने के लिए गए कि भाई हम भी देखें। गामा पहलवान का बड़ा नाम था, तो मिठाई की दुकान भी वहां मौजूद थी। मिठाई की दुकान वाला आया और उसने आकर कहा कि रुस्तम जी, गुलाम मोहम्मद बख्श साहब, आप इतने बड़े पहलवान हैं, आप मेरी दुकान से कुछ मिठाई खा लें ताकि मुझे खुशी हासिल हो जाए और मेरी दुकान का नाम हो जाएगा। तो गुलाम मोहम्मद बख्श ने कहा कि मैं मिठाई तो नहीं खाता, हाँ दूध पी लूंगा, आपकी दुकान कहाँ है? अब मैं और आप दूध पीते हैं ना, बहुत सारे लोग पीते हैं, कितना पीते हैं हम लोग मोहल्ले में देखते हैं, दुकान पर जाकर इतना सा 150 ग्राम हरीरा पीते हैं, 150 ग्राम, और बोलेंगे हरीरे पीने गए थे जी, बोलते हैं हरीरे पी कर आ रहे हैं, हरीरा पी कर आ रहे हैं। तो गुलाम मोहम्मद बख्श मिठाई की दुकान पर गए, दुकान पर जाकर कहा कि दूध कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि हुजूर इस कढ़ाई में दूध है। कहा कि कितना है? कहा कि 10 शेर है। कहा कि हाँ ये ठीक है। तो उन्होंने कढ़ाई को उठाया और मुंह से लगाकर 10 शेर दूध सारा का सारा पी लिया। 10 लीटर दूध कढ़ाई से लगाकर पी लिया। ये थी पहलवानिया और ये थी वाकई कुव्वत की बात। मैं और आप, सच्चाई ये है कि अगर जबरदस्ती मुझे और आपको आधा लीटर दूध पिला दिया तो सुबह में जुलाब शुरू हो जाए, नहीं पी सकते हैं। भैंस का दूध 10 लीटर एक 3 सांस में कढ़ाई मुंह को लगाई होगी, ये फिटनेस की बात थी। फिटनेस जो है, बहुत सारे वाकयात हैं गामा पहलवान के। खैर यहां मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। गामा पहलवान को जो है 1927 में रुस्तमे हिंद का खिताब दिया गया और उसके साथ साथ सिंगापुर के अखबार में लिखा है कि गामा पहलवान के अंदर ऐसी फुर्ती थी कि कुश्ती देखने वाले समझते थे कि बिजली ने किसी को पटक दिया है, यानी इंसान ही नजर नहीं आता था उसके अंदर, यानी इस कदर फुर्ती थी। और हिंदुस्तान का हिंदू अखबार है, उसके अंदर तो ये लिखा हुआ था जो बंबई से शाया होता था उस जमाने में कि बंबई के जितने अखाड़े थे उन अखाड़ों में गैर मुस्लिम बच्चों को ये कहा जाता था कि तुम्हें अगर पहलवान बनना है तो गामा यानी गुलाम मोहम्मद बख्श जैसा पहलवान बन। लेकिन आज हम अपनी तारीख को भूल गए, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। ये तारीख नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत से मिलती है। कैसे मिलेगी सुन्नत से? आप कहेंगे कहां से कहां लेकर गए हैं बात को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली, आपकी शफकत, आपकी मोहब्बत के हमने बहुत वाकयात सुने हैं और सुनाते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये जान लीजिए अल्लाह के नबी जितने मोहब्बत करते थे, जितने मुशफिक थे, उससे ज्यादा शुजात और बहादुर भी थे। अल्लाह के नबी बहुत बहादुर थे। कितने बहादुर थे? आपको कुश्ती का खेल बहुत ज्यादा पसंद था, बहुत ज्यादा पसंद था, अक्सर बच्चों की कुश्तियां करवाया करते और बच्चों को शाबाशी दिया करते थे। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अरब का एक मशहूर कुश्ती करने वाला था उस जमाने में, जिसका नाम रुकाना था, पहलवान था। उसकी तारीख, उसकी तारीख बड़ी अजीब तारीख है। ये लिखते हैं कि अगर 200 आदमी एक साथ उससे कुश्ती करते हो तो 200 के 200 को गिरा देता था और वो जीत जाता। तो रुकाना के ताल्लुक से आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक रास्ते से गुजर रहे थे। गुजरते हुए जब आप वहां से गुजर रहे थे तो आपका सामना रुकाना से हो गया। जब रुकाना से हो गया तो अल्लाह के नबी का मामूल क्या था?
दावत पहुंचाना था। तो अल्लाह के नबी ने उसको दावत दी और कहा कि एक अल्लाह को मान लो, कलमा पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह का। अब जैसा आदमी होता है वो ऐसा ही काम करता है। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा लेकिन एक शर्त के साथ, अगर आप मेरी शर्त मानते हैं तो मैं आपकी शर्त मान लूंगा। कहा कि क्या शर्त है? कहा कि आप मेरे साथ कुश्ती करें और अगर आप जीत जाते हैं तो मैं कलमा पढ़ लूंगा और अगर आप हार जाते हैं तो मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ठीक है आ जाओ। अल्लाह के नबी को रोज दूध नहीं पिया करते थे, अल्लाह के नबी को रोज घी नहीं मिलता था, अल्लाह के नबी को रोज गोश्त नहीं मिलता था। एक वक्त फाका, कई कई वक्त फाके के गुजारते और उसमें भी इबादत करते और एक खजूर खाते और पानी पी लेते, लेकिन फिटनेस कैसी थी? अल्लाह के नबी ने कहा रुकाना से कि आ जाओ, वो आ गया। और जब वो आया अल्लाह के नबी ने ऐसा एक पैतरा मारा कि वो फौरन जमीन पर गिर गया और अल्लाह के नबी उसके सीने पर बैठ गए। रुकाना परेशान हो गया, उसने कहा कि ये क्या हुआ, मैंने तो सोचा भी नहीं था, अभी कुश्ती शुरू हुई है, आपने मुझे पटक दिया जमीन पर मेरा और सीने पर आप बैठ गए। उसने कहा कि नहीं नहीं, दोबारा कुश्ती होगी। लिहाजा दोबारा कुश्ती हुई। जब दोबारा कुश्ती हुई तो फिर अल्लाह के नबी ने उसको पटका और पटकने के बाद कहा कि अब बोलो। तो उसने कहा कि अल्लाह के नबी मैं मान गया हूं, आप कोई मामूली इंसान नहीं है, आप अल्लाह के नबी हैं। एक रिवायत भी आता है कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया और एक रिवायत में आता है कि उसने इस्लाम उस वक्त नहीं बल्कि जिस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा फतह हुआ, मक्का फतह हुआ, मक्का फतह होने वाले दिन उसने इस्लाम कबूल किया। जब इस कुश्ती का और इस हार का उसके बेटे को पता लगा, रुकाना का बेटा जो था वो भी बहुत बड़ा माना हुआ कुश्तीबाज था जिसका नाम यजीद बिन रुकाना था, वो बड़ा पहलवान, अपने उसके सामने कोई नहीं रुकते थे, जैसा बाप था ऐसा बेटा था। वो 300 बकरियां लेकर अल्लाह के नबी की खिदमत में आया और अल्लाह के नबी से कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, पता चला है कि आपने मेरे बाप को शिकस्त दे दी, अगर आप ने मेरे बाप को शिकस्त दी है तो मुझे भी शिकस्त देकर दिखाएं तो मैं मान लूं, मुझे हरा कर दिखाएं तो मैं मान लूं। अल्लाह के नबी ने कहा आ जाओ, क्या शर्त है? शर्त यह है कि कलमा पढ़ लोगे। कहा कि नहीं, ये शर्त है कि अगर आपने मुझे हरा दिया तो मैं आपको 100 बकरियां इनाम में दूंगा। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ठीक है। अल्लाह के नबी वहां मौजूद थे, सारे और भी लोग मौजूद थे। यजीद बिन रुकाना से कुश्ती शुरू हुई, अल्लाह के नबी ने उसको पकड़ा और जमीन पर दे मारा और पटक दिया और पटक कर उसके सीने पर अल्लाह के नबी बैठ गए। तो हैरत में चला गया, उसने कहा कि ये कैसे हो गया, आज तक नहीं हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ, आपने कैसे कर दिया, लिहाजा लीजिए मैं शर्त हार गया हूं, आप 100 बकरियां ले लें। 100 बकरी ले ली। कहा कि दोबारा कुश्ती होगी, फिर 100 बकरी का इनाम दूंगा मैं आपको। देखिए यहां इनाम दोनों तरफ से नहीं है, इनाम सिर्फ एक तरफ से है, दोनों तरफ से अगर हम रखेंगे तो ये शर्त हो जाएगी। तो इनाम फिर रखा, अल्लाह के नबी ने फिर उसको जमीन पर दे मारा। तो वो कहने लगा कि अल्लाह के नबी ये अजीब बात है, मैं अभी कुश्ती शुरू करता हूं कि आप मुझे जमीन पर पटक देते हैं। फिर वो 100 बकरियां दे दी। फिर तीसरी मर्तबा खड़ा हुआ और कहा कि एक बार और कुश्ती होगी। तीसरी मर्तबा जब वो हार गया, उसने 100 बकरियां और दे दी। 300 बकरियां अल्लाह के नबी के पास आ गई। उसने कहा कि मैं मान गया हूं कि आप अल्लाह के नबी हैं, आप सच्चे हैं। उसने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया और दामने इस्लाम में आ गया। तो अल्लाह के नबी बड़े खुश हुए और अल्लाह के नबी ने 300 बकरियां उसको वापस कर दी। अल्लाह के नबी ने कहा कि मुझे इन बकरियों की जरूरत नहीं है, आप इन बकरियों को ले जाओ, रख लो अपने पास, उसको वापस कर दो। मालूम हुआ कि फिटनेस कितनी जरूरी है। किसी शायर ने कहा है, अभी से पांव में छाले ना देखो, अभी से पांव में छाले ना देखो, अभी यारों सफर की इब्तदा है। मोमिन दुनिया के अंदर वैसे ही खाने पीने सोने के लिए नहीं आता है, इसको तो बहुत कुछ करना होता है। आज जमाना बदल रहा है, जमाने के साथ हालात बदल रहे हैं और हालात के साथ जो है इंसान बदल रहा है। अजीम मुजाहिद हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता। मेरी बात आप गौर से सुने, मैं क्या कहना चाहता हूं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास उस जमाने में उनके कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी,
आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे गांव में, हमारी बस्ती में एक आलिम आए हैं जो बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, बहुत अच्छा खिताब करते हैं, इतना अच्छा खिताब करते हैं लोग रोते रहते हैं उनके खिताब में बैठकर। कहा कि अच्छा, और क्या करते हैं? कहा कि वो दुआ भी बहुत करते हैं कि फलस्तीन के लिए, और ये दुआ करते हैं अल्लाह बैतुल मक़द्दस को आजाद फरमा दे, बहुत दुआ करते हैं। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उस आलिम के वाज सुनने के लिए पहुंच गए, और पहुंचने के बाद वाज सुना, बड़ा अच्छा उन्होंने वाज किया, वाज करने के बाद दुआ भी कराई, खत्म हो गई बात। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उनके पास गए और जाकर उनसे कहा कि मौलाना ये बताइए कि मस्जिद अक्सा कैसे फतह होगी, उसको कैसे आजाद कराया जाए। तो उस आलिम ने कहा कि खूब दुआएं करनी चाहिए, खूब दुआएं करो, जब दुआ करते रहोगे तो तुम इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को कबूल कर लेगा, और जब तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा को फतह कर देगा। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी तलवार को निकाला और उसके गले पर रख दिया और कहा कि सच बता तू कौन है। आज यही हो रहा है, आज यही हो रहा है। कहा कि सच बता तू कौन है कि तू दुआ को कह रहा है, अगर सिर्फ दुआ का मामला होता तो जंगे अहद और जंगे बदर ना होती, गजवात ना होते, अल्लाह के नबी गजवात ना करते, सिर्फ दुआ करते। तो जब उसकी गर्दन पर तलवार रखी तो पता चला कि वो एक मुसलमानों के लिबास में एक यहूदी आलिम था और मुसलमानों को बहका रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसकी गर्दन कलम कर दी और उसको जहन्नम नसीब कर। आज क्या हो रहा है? आज यही हो रहा है कि सिर्फ दुआ कर लो। जो हम दुआ तो हमें करनी है, हम दुआ से पीछे नहीं हट सकते, लेकिन दुआ के साथ जो चीज हमें यहाँ और करनी है वो भी तो हमें करनी चाहिए जो हम कर सकते हैं। इसी को तो कहा है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ताल्लुक से किसी ने, लोग कहते हैं बदलता है जमाना सबको, लोग कहते हैं बदलता है जमाना सबको, मर्द वो है जो जमाने को बदल देते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसको जहन्नम रसीद कर दिया। हजरात बात सख्त हो रही है लेकिन हकीकत यही है कि इस्लामी तारीख नबुव्वत से आज तक बहादुरों और जवान मर्दों से भरी हुई है, लेकिन जब फिजिकल फिटनेस और ताकत के इस्तेमाल का मसला, मुसलमानों का मसला आता है तो मुसलमान गफलत का शिकार हो जाता है और जवाल पजीर हो जाता है। मुझे और आपको यहां सड़क तक दौड़ा ले, हम नहीं दौड़ सकते, यहां सांस फूल जाएगा, चल नहीं सकते। हमारा बच्चा अगर दौड़ना चाहे तो हम उसको रोक देते हैं कि दौड़ो मत, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। अगर जमीन से नहीं जुड़ेंगे तो और कहां से जुड़ेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से बाहर एक मैदान फुनूने सपहगिरी के लिए मुख्तसर कर दिया था, जहां सहाबा खाली औकात में मश्क किया करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वहां शिरकत फरमाया। हजरत अली के ताल्लुक से मैंने अभी आपको बताया, खैबर का किला एक बार में आपने दरवाजा तोड़ दिया, खालिद बिन वलीद का हजारी पहलवान जो था उसकी पसलियों का कचूमर आपने बना दिया था। बहुत बड़ी हमारी तारीफ है। फिजिकल फिटनेस दरअसल मुसलमानों का दीन का एक हिस्सा है, ये एक दीन का हिस्सा है। दीन का हिस्सा क्या है? आज हम दावत में जाते हैं यहां तक खाते हैं, जी मैं किसी को नहीं, मैं खुद को कह रहा हूं, दबा कर खाते हैं। खाइए, दावत में ज्यादा खाना चाहिए, इसलिए कि जिसने आपकी दावत की है ताकि उसको खुशी मिले कि आपने पेट भर खाया है। लेकिन फिजिकल फिटनेस में क्या है कि थोड़ा सा कम खा लो, एक हिस्सा सांस का रोको, एक हिस्सा पानी का रखो, ताकि तुम्हारी फिटनेस ज्यादा अच्छी रहे। ये असल फिजिकल फिटनेस है, ये दीन का हिस्सा है, हमें दीन ने सिखाया है। और निशानेबाजी के ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अनस इसकी रिवायत करते हैं कि जिसने अरबी कमान या उसका तुर्किश अपने पास रखा तो अल्लाह ताला 40 साल तक उससे फख्र को दूर कर देते हैं, गरीबी को हटा देते हैं। यानी अल्लाह ताला जिस मोमिन के पास हथियार होता है, मैं खुलकर कह रहा हूं, लेकिन कानून के एतबार से होना चाहिए। अगर अल्लाह ने किसी को माल दिया है और उसको सहूलत दी है तो वो कानून के दायरे में अपने आप के, अपने हिफाजत के लिए हथियार रख सकता है।
हदीस में आता है कि 40 साल तक अल्लाह ताला उसके घर से फकीरी को दूर कर देंगे और गुर्बत को दूर कर देंगे। आज हमने सोचा कभी अगर मेरे घर में छोटा सा तरकारी का चाकू होगा तो मेरे बाजू वाला मेरा भाई खुद शिकायत करेगा कि उसके यहाँ इतना बड़ा चाकू है चाकू तरकारी काटने का। وَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ قرآن کی آیت ہے۔ اس آیت کی روشنی میں علماء کرام کے نزدیک نشانہ بازی سیکھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے آپ پردہ فرما رہے تھے تو اس وقت ام المؤمنین حضرت امہ خدیجہ کے حجرے میں جلانے کے لیے چراغ میں تیل نہیں تھا۔ بہت گہری بات ہے، अल्लाह के नबी के घर में चराग में तेल नहीं था लेकिन दीवार पर अल्लाह के रसूल की 9 अदद तलवारें लटकी हुई थी, तीर फेंकने वाली 5 कमानें लगी हुई थी, 2 नीजे लगे हुए थे। आज इस सुन्नत को हम भूल गए तो इस सुन्नत को यहूदी ने अपना लिया तो आज यहूदी कहाँ है और मुसलमान क्यों जलील हो रहा है। इस हदीस को छोड़ने की वजह से आज हम जलील हो रहे हैं। मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो खेल होते हैं ओलंपिक्स वगैरह में, ये फिटनेस के जो खेल हैं, ये खेल ये इस्लाम का देन है। फिजिकल फिटनेस आज जरूरी है। हम अपने बच्चों को मोबाइल गेम से हटाएं, हम अपने बच्चों को दूसरे ऐसे खेलों से हटाएं, शतरंज से हटाएं, हम अपने बच्चों को लूडो से हटाएं और उनको जमीन पर खेलने वाले खेल खिलाएं। ये खेल हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला ने सालाना इज्तमे के तौर पर मुनाकिद किए थे ताकि मुसलमान बच्चों में ताकत रहे और वो दूसरी कौमों से आगे बढ़ सके और आगे कामयाब हो सके। खेल वो खेला जाए जिसमें नमाज का हर्ज ना हो, खेल वो खेला जाए जिसमें शर्त ना लगाई जाए, खेल वो खेला जाए जिसमें वक्त ना बर्बाद हो। हजरात, खेल आज हम खेल को खेल समझ रहे हैं, ये खेल नहीं है, ये फिटनेस के लिए है। और जब हम इसको फिटनेस के लिए सही इस्तेमाल करेंगे, बिलखुसूस आज खेलों में बहुत सारे खेल हैं, खेलों में ये बताया गया कि एक तो बैडमिंटन और दूसरा फुटबॉल, ये दो खेल ऐसे हैं कि आप इनको 15 से 20 मिनट में आपका पसीना निकल जाएगा, आपकी रगें मजबूत हो जाएंगी। हजरत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि इस्लाम अल्लाह के शेरों का दीन है। शर्त यह है कि हम अपनी शेराबंदी को खत्म करें, एक दूसरे की लड़ाई को खत्म करें। आज गैरों के बच्चे सूरज निकलने से पहले 5 से 10 किलोमीटर दौड़कर अपने घर को वापस आ जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे आंखें भी नहीं खुलती, आज हमारी आंखें भी नहीं खुलती, उनके बच्चे 5 से 10 किलोमीटर दौड़कर वापस आ जाते हैं। आज हमने गैरों का तरीका अपनाया और गैरों ने हमारा तरीका अपना लिया है, उन्होंने हमारा तरीका अपनाया वो कामयाब हो गए, हमने उनका तरीका अपनाया हम नाकाम हो गए। लिहाजा आज जज्बात में बहने की जरूरत नहीं है, जज्बात में चलने की जरूरत नहीं है। मुसलमान जोश में तो आ जाता है लेकिन अमली मैदान में जब होश का मामला होता है तो हम जीरो हो जाते हैं, हमारे पास होश नहीं रहता, सिर्फ जोश रहता है। आज जोश की जरूरत नहीं है, होश की जरूरत है। और होश की जरूरत यह है कि हम अपने बच्चों को जिस्मानी ताकत और जिस्मानी कुव्वत के ताल्लुक से बच्चों को फिट कराएं, बच्चों को ले जाएं और अपने सामने ले जाकर जहां हम बच्चों पर इतना खर्च करते हैं थोड़ी सी उनके ताल्लुक से कोशिश करें। हमारे इस महल्ले के बुजुर्ग हजरात ने, नौजवानों ने नहीं, बुजुर्ग हजरात ने कोशिश की है कि उन बच्चों के लिए जो हमारे बच्चे हैं 14 साल से लेकर 19 साल तक या उससे भी ज्यादा हैं, उन बच्चों के लिए अहमदनगर ईदगाह में जो है बच्चों को फिटनेस के ताल्लुक से फुटबॉल खिलाने का नज़्म किया है। वहां सिर्फ बच्चे नहीं खेलेंगे, एक आलिम भी उनके सामने मौजूद रहेगा ताकि गाली गलौज ना करें। होता है ना, जब 4 बच्चे एक उम्र के मिल जाते हैं तो वो उसको गाली दे रहा है, वो उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ वहां पर फिटनेस के लिए उनके लिए कोच भी मुकर्रर किए हैं,
कोच भी वहां मौजूद हैं। तो लिहाजा जो बच्चे हमारे घरों में हो, शाम के 4 बजे से मगरिब तक अलग अलग उन्होंने बैचेस बनाए हैं, शायद आप असर के बाद चले जाएं अहमद नगर ईदगाह में, वहां हमारे बच्चों को अच्छी तरबियत अच्छे अंदाज से अखलाक के साथ वहां तरबियत दी जा रही है। वक्त आने दें, दिखा देंगे तुझे ए आसमां। शायर ने कहा है, वक्त आने दें, दिखा देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। लिहाजा अपने बच्चों को ताकतवर बनाएं, अपने बच्चों को इधर उधर फजूल घूमने के बजाय उनकी सेहत पर ख्याल रखें। सेहत का सही रखना दीन का एक हिस्सा है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, क्या चीज है दुनिया भूल गया।